टू दसन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डब यस स्टूडेंट, आज हम हमारी क्लास सिक्स का जो ग्रामर इंग्लिश ग्रामर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब वाक्य। वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स। हम जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं हमारे जो विचार होते हैं उसको बताने के लिए, वेदर इन स्पीच और इन राइटिंग। चाहे वो हमें बोलना हो या हम लिखना हो तो हमारे विचारों को बताने के लिए हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। यूजली वी यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम इन वर्ड्स को ग्रुप में शब्दों के समूह में यूज़ करते हैं। हाउएवर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विल नॉट ऑलवेज मेक सेंस। लेकिन हमेशा जो शब्दों का एक समूह है वो हमेशा एक सही सेंस या सही अर्थ नहीं बता पाता है। वॉट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द टेबल ब्लू। जो नीचे टेबल दी गई है वहाँ पे आप शब्दों के समूह को पढ़ें। एंड कंपेयर दोज इन कॉलम ए विद द वंस इन कॉलम बी। और जो कॉलम ए है उसको कॉलम बी से आप कंपेयर करें। फर्स्ट ए पोर्शन है अभी स्कूल, बी में लिखा हुआ है अभी इज गोइंग टू स्कूल। अभी स्कूल, अभी और स्कूल, यहाँ पर पूरी जो बात है वो क्लियर लिखी हुई नहीं है। लेकिन जो बी पार्ट है अभी इज गोइंग टू स्कूल, इसमें पूरा क्लियर किया गया है कि अभी स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा क्लियर है। When the end, जब end, अब इसका कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन जब इसमें हम लिखते हैं When the end gathered food, जब चींटी खाना इकट्ठा करती है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस है। थर्ड है श्रीलंका एंड आइसलैंड एन इस। यहाँ पर जो सेंटेंस है कंप्लीट नहीं है, इसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है। श्रीलंका इज एन आइलैंड। श्रीलंका एक आइलैंड है, वी पे इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। लाइक्स ब्रदर कोल्ड कॉफ़ी माई। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पूरा उल्टा पुल्टे, इसके जो शब्दों का समूह है उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, तो ये हमें पूरा कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहे हैं। जब हमने इसको चेंज किया माई ब्रदर लाइक्स कोल्ड कॉफ़ी, मेरा भाई ये जो कोल्ड कॉफ़ी पसंद करता है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल रहा है। ऑल फोर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम ए आर मीनिंगलेस। जो हमने कॉलम ए के चारों सेंटेंस पढ़े, वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़े, शब्दों का समूह जो पढ़ा, ये मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं है। बट ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम बी मेक सेंस। लेकिन ग्रुप बी में जो शब्दों का समूह है उन सबका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस है। देयर फोर ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। इसलिए सेंटेंस उसको शब्दों के समूह को कहते हैं जो कि एक निश्चित अर्थ बताते हैं। इट हैज़ ए यूनिटी, इसमें एक एकता होती है। स्टैंड इंडिपेंडेंटली एंड एक्सप्रेस ए क्लियर मीनिंग। इसका जो अर्थ होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है और ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। ए सेंटेंस मस्ट कंटेन एन एक्शन वर्ब वर्ड और वर्ब। एक सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड या वर्ब क्रिया होनी चाहिए। सेंटेंस आल्सो कंटेन ए सब्जेक्ट एंड और द डोयर ऑफ द एक्शन। सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो करता होता है, काम को करने वाला होता है, वो जरूर होता है। सम सेंटेंस इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट दैट इज द पर्सन और थिंग दैट अंडरगोज द एक्शन। और कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है जो ये बताता है कि जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है। जिसके ऊपर पड़ रहा है वो चीज़ होती है ऑब्जेक्ट, मतलब कर। चीता रन फास्ट, यहाँ पर चीता जो है वो है सब्जेक्ट, रन हमारी वर्ब है कि वो चीता जो है वो तेज दौड़ता है। सब्जेक्ट यहाँ हुआ हमारा चीता और वर्ब हुई हमारी यहाँ पर रन। एक और सेंटेंस दिया है चीता चेस डियर। चीता यहाँ पर वापस सब्जेक्ट हुआ, चेस यहाँ पर हमारी वर्ब हुई है मतलब पीछा करना, डियर मतलब ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर की प्रभाव पड़ता है। किसका पीछा कर रहा है चीता, डियर का, तो यहाँ पर डियर हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर्स। सेंटेंस जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। दे एंड विद ए फुल स्टॉप ए क्वेश्चन मार्क ऑन एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जब सेंटेंस समाप्त होते हैं तो या तो उसके पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ होता है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है। टेक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस एंड क्रॉस आउट द वंस विच आर नॉट। यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज दी है इसमें जो सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, वो सेंटेंस कंप्लीट है उस पर टिक करना है, और जो कंप्लीट नहीं है उस पर आपको क्रॉस का निशान करना है। प्लास्टिक कप, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा तो ये सेंटेंस नहीं है, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। सेकंड है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसका एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे, ये एक सेंटेंस है। थर्ड है माया इज 17 ईयर्स ओल्ड। माया जो है वो 17
ईयर्स की है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है तो हम इसके आगे राइट लगाएंगे। फोर है इनटू द बुशेज, तो यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ना ही इसमें सब्जेक्ट है, ना ही कुछ वर्ब का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे फोर्थ में। फिफ्थ है वेट एंड ग्रीन लॉन, गीला और हरा लॉन, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, फिफ्थ में भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। सिक्स है इज इट ए स्वर्ड, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है पीछे, तो ये एक सेंटेंस है इसलिए हम इसके आगे यहाँ टिक का निशान करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। लाइट पेपर वेट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है लेकिन पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है इसलिए हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे। एट ए फार अवे फ्रॉम मोहन्स हाउस, मोहन के घर से बहुत दूर, लेकिन यहाँ पर जो है अर्थ पूरा क्लियर नहीं है इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर हम सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं वो देखेंगे। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस जो होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एसर्टिव सेंटेंस, सिंपली स्टेट समथिंग, ये साधारण जो होता है एसर्टिव सेंटेंस वो किस चीज़ का वर्णन करता है। एसर्टिव सेंटेंस आर आल्सो नाउन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब साधारण वाक्य भी कहते हैं। इट कैन बी आइदर एफर्मेटिव और नेगेटिव, या एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, इसका जो अंत होता है, इसकी जो पहचान होती है, इसमें सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। इसकी एग्जाम्पल है वी बॉट ए जापानीज टेलीविज़न, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यहाँ पर फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है, साधारण से वाक्य है कि हम जो जापानी टेलीविज़न उसको ख़रीदा और बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो कुत्ते कभी भोंकते हैं वो काट भी सकते हैं। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन अबाउट समवन और समथिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किसी के बारे में कुछ प्रश्न करते हैं। इट कैन बी डब्ल्यू एच और येस और नो क्वेश्चन, ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं और येस और नो, जिसके आंसर हम येस और नो में देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है वाई आर यू लेट टूडे, आज तुम लेट क्यों हो, यहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा है। डू यू लव म्यूजिक, क्या आपको म्यूजिक पसंद है, यहाँ आपको इस चीज़ का आंसर देना पड़ता है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ए स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टेटमेंट हो सकता है। बट द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन विल बी आइदर येस और नो, लेकिन जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब डू डज इज एम आर वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, जब इनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर आपको येस और नो में देना होता है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली बिगिंस विद ए क्वेश्चन वर्ड और एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड एंड विद द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, डब्ल्यू एच वर्ड से होती है, या ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर वॉज वर हैज हैव इनसे होती है एंड एंड विद द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और उसकी जो समाप्ति होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस मेक रिक्वेस्ट और गिव कमांड एंड एडवाइस, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसको हिंदी में कहते हैं हम आज्ञार्थक वाक्य, ये या तो रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कहीं निर्देश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, वहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। दे आर समवन टू डू समथिंग, ये किसी को कुछ कार्य करने को कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज यू, आइदर स्टेटेड और अंडरस्टूड, जो इसका सब्जेक्ट होता है वो इसमें बताया नहीं जाता, या तो वो सब्जेक्ट आप होंगे या तो कोई भी जो व्यक्ति कह रहा है वो आपसे कह रहा होगा, या सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि वो किससे कहा जा रहा है। स्टैंड अप, यहाँ पर ही डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, मतलब कोई आपको कमांड कर रहा है कि आप खड़े हो जाएं। प्लीज़ पास मी दैट बुक, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू नॉट प्ले इन द सन, यहाँ सूर्य की जो धूप है उसमें आप नहीं खेलें, यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, यहाँ पर ये एकदम मजबूत और जो अचानक से कोई फीलिंग आपको होती है वो बताता है। एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसकी पहचान ये होती है कि उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क जो यहाँ बताया गया है वैसा लगा हुआ होता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इतना सुंदर फ्लावर है। हाउ हॉट ए डे इट इज़, आज कितनी ज़्यादा गर्मी है, इन सब के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इससे हम समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बी एक्सरसाइज देखेंगे, स्टेट वेदर दीज सेंटेंस आर एसर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव, आपको ये सेंटेंस देख के बताना है कि ये एसर्टिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंट्रोगेटिव है।
और उनके लिए वर्ड्स लगाने ए आई ई और आई एन। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द वीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ लगाएंगे आई एन, फर्स्ट में लगाएंगे आई एन। सेकेंड है द लोकल इलेक्शन इज़ टुमारो, यहाँ फुल स्टॉप है, ये असर्टिव सेंटेंस है। राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पर आपको कमांड दी गई है तो यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, थर्ड में हम आई लिखेंगे। फोर्थ है वॉट एन अमेजिंग पिक्चर इट इज़, लास्ट में आपको दिख रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो हम फोर्थ में लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी ई लगाएंगे। फिफ्थ है डू यू थिंक आई विल विन ए प्राइज, लास्ट में हमारे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव, हम यहाँ लिखेंगे आई एन। हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे ई। अब आपको फॉर ईच ऑफ दिस सेंटेंस पुट द करेक्ट पंचुएशन मार्क इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, आपको पंचुएशन मार्क लगाना है। हु इज़ देयर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या गया है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। हाउ लवली द रेन इज़, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। वेन डज स्कूल स्टार्ट, स्कूल कब स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क। इट इज़ नो यूज़ थिंकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाना है आपको एंड में। यू आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल, ये भी एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है तो आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। कैन वी एवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, क्या हम उसकी जो काइंडनेस है वो कभी भूल सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। देयर आर 40 पीपल्स इन द क्लास रूम, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है तो आपको यहाँ एंड में क्वेश्चन सॉरी फुल स्टॉप आपको लगाना है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिलअप करनी है। थैंक यू।